हेलो गाइस, तो हम आ चुके हमारे एक ब्लॉग वीडियो के साथ, जो कि हमने आज ईद के लिए ब्लॉग बनाया है। हम लोग काफी टाइम से अपने प्रैंक वीडियो डाल नहीं सके थे, हमने सोचा ईद है तो इसी बहाने एक ब्लॉग बना लेते हैं। और नाजिम कुछ बोलना चाहोगे? ब्लॉग अपना बन रहा है, कुछ नहीं, ब्लॉग चालू रखते हैं। और सुनो, अभी हमको भूख लग रही है, चलो पहले कुछ खा लेते हैं बिरयानी। ठीक है, बाय गाइस, हम चलते हैं। चलो लेट्स गो, खा लेते कुछ। अच्छा आजा भाई। तो गाइस, हमने खाना खा चुका और अब हम जा रहे हैं वापस घर पे। चलो ठीक है, गाइस दूसरी जगह पे जाना है अभी। हाँ ठीक है, चलो चलो। तो गाइस, खाना पीना सब हो चुका है और अभी हम लोग थोड़ा टहल लेते हैं। हमने थोड़ा सोचा कि थोड़ा टहल लेते हैं, बट फिर अलबाज ने हमको आइडिया दिया, सजेस्ट किया कि आपको के यहाँ पर एक देखने लायक चीज है, किला। आपको दिखा देते, वो हम थोड़ा आपको दिखा देंगे सब सिनेमैटिक शॉट वगैरह थोड़ा। तो चलिए फिर आगे, एक बार दिखा दे किला कितनी दूर है बैक कैमरा। किला देखो, आपको बताते हैं, किला वो पीछे उधर है, देखो दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है आप लोगों को उधर जाने। वो दिल भी बनाए। ठीक है, तो फिर चलो चलते हैं। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, आप वहाँ पे एक बार जाके देखोगे ना तो आपको मतलब जो मतलब हॉरर फिल्म का सीन होंगे। हाँ, तो जब वहाँ की एक कहानी भी है जो कि हम आपको दिखाते दिखाते बताएंगे। उसके किले के ऊपर एक कहानी है जो कि सच है, यहाँ के लोग बताते रहते हैं, तारीफ वगैरह जो भी है यहाँ के वो सब बताते रहते हैं। तो आपको चल के हम दिखाते आगे का। चलिए फिर चलते। तो गाइस, मैंने सोचा आपको थोड़ा बाहर से इसका लुक दिखा दूँ कैसा क्या आ रहा है। और आप देख सकते हैं, एक बार दिखा दे भाई बाहर से पूरा, ये यहाँ पे सूट वगैरह कर रहे बंदे। तो चलो चलते आपको। अबे मैं कहाँ जाऊँगा? तो गाइस, हम आ चुके हैं एकदम किले के पास में और यहाँ पर पहले से ही कुछ लोग हैं, ये शूट कर रहा है इधर। हाय करो, हाय करो, ये हमारी पब्लिक है, क्या बोलती है पब्लिक? तो गाइस, यहाँ पहले से लोग हैं, ये बाइक्स वगैरह है यहीं पर। चलिए तो फिर आप मेरे को दिखा देख सकते। ये हम किले किले के अंदर हैं हम। अबे फ्रंट कैमरे से बनेगा जो भी बनेगा। किले के अंदर हम, ये थोड़ा है ऐसा टूटा फूटा हो गया है और हो सकता है यहाँ पे कुछ आपको हॉरर सीन भी देखने को मिल जाए। ऊपर दिखा ना, ऊपर दिखा ये। तो गाइस, अभी आपको हम पूरा किला कैप्चर करा देंगे अपने कैमरे में, आप लोग देख सकते हैं पूरा। मैं आपको एक बार ऊपर का लुक दिखा देखो कैसा क्या दिख रहा है। ऊपर का दिखा दिया, नीचे उधर का भी दिखा दिया। पहले के जमाने में बना कैसा था आप देख सकते हो, मतलब ये लकड़ियों की वजह से है, ये लकड़ियों की वजह से टिका हुआ है पूरा, देख सकते हो आप। और ये हमारे रिजवान भाई वापस कैमरे में आ चुके हैं। चलो उधर का दिखा, पहले इधर से चलते, लेट्स गो। हाँ ये देखो, ये पूरा मतलब ऐसा है कि कभी भी गिर सकता है, आप देख सकते हो। अभी यहाँ मतलब कहा जाता है कि पहले की जो रानी थी चांद देवी, जिनका नाम था, वो अपने बाल वगैरह सुखाने के लिए यहाँ तक आती थी। अंडरग्राउंड रास्ता था यहाँ पे, बट हमको पता नहीं है। तो नहीं हमको, हम लोग चलो ठीक है, हम ढूंढते फिर भी। ठीक है, पूरा कैप्चर करा दे। हाँ ठीक, वैसे मेरी फटी। ये देखो यहाँ पे कुछ लोग, ओ चीचा चीचा, चलो चेक करे वैसे ही। ना नहीं आएगी लाइट, तो ये देखो एकदम हॉरर सीन, हॉरर मूवी जैसा है। कुछ मुझे सजेस्ट करो कि आप यहाँ पे मैं किस टाइप की रील वगैरह बना सकता हूँ, आप सीन वगैरह देख सकते हो, बहुत ही ज्यादा हॉरर है। ऊपर से अंदर आ जाना, सारा थोड़ा अच्छे से कैप्चर कर, ये देख सकते हो आप, बिल्कुल एकदम पुराने। आप देख सकते हो ऐसे सीन आपको पद्मावती मूवी में जरूर देखने को मिले होंगे। और मैं ये इधर मेरे को डलिया में बताता था, अंदर ये जो बोल रहा है डलिया की जो है यहाँ पे, ये जेल वगैरह है ये के, मतलब अंदर मेरे को फट के वैसे डालने में ना कैमरा ला, मैं ले जाता हूँ दिखाता हूँ इस बार। मतलब आप देख सकते हो ये सर बोल रहे कि जेल वगैरह है, बट आपको हम पूरा कैप्चर अच्छे से कराएंगे, कोई दिक्कत ना है। सागर भाई हमारा कैमरामैन, ये देख लो आप पूरा। और अभी हमारा कैमरा डिस्चार्ज पर है तो हम इसलिए फोन से ही शूट कर रहे हैं, तो अगर आपको क्वालिटी में थोड़ा बहुत लगे ऐसा कुछ तो आप एडजस्ट कर लेना प्लीज। चलो सागर भाई, फिर आपको हम नीचे का एक और रूम दिखाते हैं यहाँ का। हाँ अंदर अंदर आइए। अरे ये क्या था साले, ढलिया तू कब छुपाता इधर, चला इधर। तो ठीक, ये हम आ चुके सबके सबसे नीचे वाले अंडरग्राउंड में। अभी इसके पीछे एक और है, बट अपन इसके पीछे एक और है, पर हमारी वहां जाने में बहुत फट रही है। एक बार मैं अंदर आ सकता हूँ क्या, कैप्चर करा देता हूँ। आओ अंदर, आपको हम बता दे और कुछ। और यहाँ पर एक
तो गाइस हमने कुछ यहाँ पर ऐसी चीज देखी जिसे देखकर हमारी भी फटने लगी। बहुत बेकार चीज थी वो, बहुत भूतिया देखे जाए तो आप देख सकते हो ये हड्डियाँ पड़ी है, पता नहीं क्या क्या चीज है ये, पता नहीं किसकी हड्डियाँ हैं, बहुत सारी पड़ी हुई है। आपको देखे एक सेकंड दिखाता हूँ कैमरा बैक कर का। ये आप देख सकते हो बहुत सारी हड्डियाँ वगैरह पड़ी है यहाँ पर, देख सकते हो। और आपको एक चीज दिखाई, वो उसके अंदर क्या है वो मैं बहुत फट रही है गाइस हमको वहाँ ले जाने के लिए, और बहुत ज्यादा मतलब रिक्सी है वो। ये जब आपको दिख रहा है दीवार पे वो चित्र अरबाज की लुगाई की है, गर्लफ्रेंड बोल सकते हो, जो ए अरबाज जा पास मत जब आए। ये एक सेकंड यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, नाचिम ए व्हाट्सएप तो यहाँ पे अपन लोग क्या करे। ए यहाँ पे फ्लैश चालू कर तो रे, ना 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 एक बार फ्लैश, अरे करना भाई भाई यहाँ पे, अरे मत फटा यार भाई ऐसी इतनी देर रही हम। अबे अरे लड़ मत 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 मेरी फटिया पे हूँ क्या, आवाज आ रही है इसके अंदर ये साला बुम बुम की आवाज कर रहा था और मेरे को लगा कि मेरी मतलब ये कहाँ से आ रही है यार भाई, मतलब मजाक नहीं करो मैं सही में बहुत ज्यादा मैं सीरियस हो गया था। तो यहाँ पहले कुछ लाने की ये पूरा, अब हम अंदर नहीं जाएंगे, इसके अंदर ज्यादा नहीं जा सकते, वैसे हमारी इतनी फट रही है। अंदर देख रहा था ना तो पीछे तो सागर है नहीं अंदर, ये तो अंदर से मुंह क्या हुआ सही में फट रही थी बे, बहुत बुरा। तू जाके देख एक बार वहां पे कर, मैं तो बोलता हूँ अबे बहुत बुरी है रे भाई बहुत। तो गाइस हमने नीचे का सारा सीन आपको शूट करा दिया है, और यहाँ पर बहुत हैरानी वाली चीजें थी जैसे कि स्केलेटन्स पड़े हुए थे। ठीक है अब आप हम आपको टॉप पर लेके चलते हैं इसके, ठीक लेट्स गो। तो गाइस नीचे का हमने आपको पूरा चीज कैप्चर करा चुका है जहां तक मुझे लगता है, अगर कुछ बचा होगा तो उसके लिए कुछ भी नहीं है, हमने ऑल चीज यहाँ पे क्लियर करवा दी, मतलब बहुत सारी चीजें हैरानी करने लायक। और अंदर जो गाइस मुझे जो फीलिंग आ रही ना अंदर जाने के बाद, मतलब रियल में होते तो आपको सच में बता रहा हूँ ऐसा फील होता। और उसके अंदर जो वो बना है उसका रेस आज तक कोई नहीं जान पाया कि रानी उसके अंदर हमारी उसके अंदर जाता मैं सकता नहीं था, जिसमें मेरी फट रही थी तो मैं जहां तक पॉसिबल था वहां तक मैंने आपको दिखाया। ऊपर ले चलते आपको हम ऊपर दिखाएंगे। हम लोग गाइस आप देख सकते हो और एक बार मैं आपको पूरा एक बार पूरा राउंड सर्कल में दिखा देते हैं, पूरा दिखा दो एक बार। यहाँ पर हम रील वगैरह शूट करते हैं, आपने हमारी रील देखी होगी, आवाज में क्लियर नहीं आ रही वॉइस। अगर गाइस अगर वॉइस में आपको कुछ प्रॉब्लम मिले या कुछ, ऊपर आ चुके आप देख सकते हो हम सबसे टॉप पर है इसके किले के ऊपर। और आप देख सकते हो ये देखो ये बहुत पुराना बना हुआ है, सब दूर इसकी छत वगैरह सब टूट रही है। ये देखो यहाँ पर भी होल देखने को मिलेगा आपको, और आपको ये देख सकते हो ये इधर इसकी सीढ़ियाँ है ये भी टूटी हुई है। और ये रिजवान भाई आपको होल बता रहे, ये छत का होल है, यहाँ पर से गिरेगा तो बचेगा भी नहीं कुछ भी। ये हमारे अरबाज भाई जिसने हमको सजेस्ट किया था, ये क्या पता बोर हो रहा है ऐसे बैठे हुए हैं मोबाइल चला रहे हैं, देख सकते ये एक और है इसके पास भी अभी अपन जाने वाले हैं। आप देख सकते हैं हम पूरा क्लियर दिखाएंगे, चल जा ये नीचे आ रहा हम। अब आपको ये फर्स्ट फ्लोर है जो इसका हम आपको बताया था, ये रिजवान भाई घूम रहा है इधर। ये यहाँ पर बहुत सारे कुछ गंदगी फैला रखी है, देखो पूरे किले की वाट लगा दी इन्होंने। ये अरबाज भाई को पता नहीं क्या हो गया है, ये ऐसे ही बैठे हुए हैं कुछ भी मतलब कुछ भी कर रहा है। ये सागर ये दिखाने लायक है जो भी ये, और ये देख सकते हो आप अब ऊपर आपको ये दिखा रहा है, ये वो जो दो रूम है एक तो ये बताया था मैंने आपको जो ऊपर का अंदर का, तो और वो एक वो वहाँ पर वो भी बताया आपको, बहुत अंदर मतलब पेड़ों के अंदर है ये, और यहाँ से नीचे जाने की जगह नहीं है। नहीं तो आपको बनावट देख सकते हो आप कितना ज्यादा, एक सेकंड तक कैमरा पकड़ाइए आप मेरे को,
आप देख सकते हो ये देखो कितना ऊंचा है। इस कारीगर को 1 लाख नहीं 50 लाख। ओ अरे भाई बचा मैं। क्या बोल रहे थे आप? हम इस कारीगर को 1 लाख नहीं 50 लाख देंगे। तो गाइस इधर आप देख सकते हो पूरा कैप्चर। अभी हम सोच रहे कि आपको इसके नीचे ले जाके यहाँ दिखाए पूरा पूरा नीचे हमको दिखाने का थोड़ा मन हो रहा है। क्या सागर भाई नीचे जाने की सोच रहे क्या? आवाज नहीं आ रही है वापस बोलो इसमें। वहां से आवाज नहीं नीचे जाने की सोच रहा हूँ। देखता हूँ जब तू कर दूँ या फिर उतरने की जगह मिल जाए। तो देखते हैं सागर भाई मौत को मुंह में दावा दे दे। ए ढलिया मत कर। ए जा रहे जल्दी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ओ तो सागर अपन नीचे आ चुके हैं। अब आपको बता दूं मैं सागर चाहिए। तो गाइस देखो रिजवान भाभी यहाँ से कूदने की कोशिश कर रहा है। कूदो ये कूद गया रिजवान भाई भी। अरबाज भी कूदने की कोशिश कर रहा है। अबे चलिए ठीक है तो कर रहा है बकचोदी। अब अपन आते हैं वीडियो के ऊपर। हमारा ढलिया पीछे कूद रहा देख सकते हैं आप। ये कूदा ये कूद गया। चलिए तो आपको हम अगली चीज बता दें। ये देखो ये वही है ये वही है जिसको हम अंदर से दिखाया था मैंने आपको देख सकते हो। जो फर्स्ट टाइम हम रिकॉर्ड किए थे वो ये सीन थे। तो आप ऊपर से भी देख सकते हो। तो हम नीचे से किए थे। आ जाओ भाई कैमरा। चलो आपको दिखाता हूँ। रानी है सोती देख सकते हो आप। ये वही सीन है जो आपको हमने नीचे से बताया था। आप देख सकते हो ये ऊपर से सीन है इसका। तो वहाँ कोई तो रानी ने रेड बुल पी के फेंका। रानी ने रेड बुल पी के फेंका देख सकते हो आप। इधर आपको ये फर्स्ट रूम दिखाया था जो जिसके ऊपर रिजवान खड़ा हुआ है देख सकते हो आप। अब अपन चलते हैं अगले रूम की तरफ जो कि उधर आगे है। चलिए आ जाओ। ये जा रहा है अब अगले रूम की तरफ। वो रूम तो मैंने आपको पूरा मतलब सागर भाई ने कैप्चर करा दिया वो ऊपर से कैसा क्या था। अभी ये जो लास्ट रूम था पास आ जाओ वॉइस नहीं जारी होगी आप पास आ जाओ। सो गाइस ये जो लास्ट रूम था इसके बाद जो आता है वो आपने देखा था वो जो खिड़की थी जो भी विंडो थी उसके बाद वो रानी उसके अंदर से आती थी जो भी आती थी। बहुत हॉरर लग रहा था वहाँ पे मेरे को हॉरर सीन था वो। तो उसकी वजह से मैं अंदर नहीं जा पाया लेकिन ऊपर से बता रहा हूँ ये यहाँ से खत्म होता है। आप एक बार देख लो ये देख लो यहाँ से खत्म होता है लेकिन उसके अंदर आज तक पता नहीं कर पाया कि उसके अंदर से कहाँ से रानी इसके अंदर आती थी। वो जो बना हुआ था खिड़की के अंदर से कहाँ से आती थी आज तक कुछ पता नहीं कुछ भी नहीं। ये लास्ट है वो खत्म है। तब बताइए रानी कहाँ से आती थी। यही सब जो चीजें ये चीज सबको और थ्रिल में डाल देती है। हाँ सोचने वाली बात है ये। अब आप ही देख सकते हो अगर हम आपको अभी रानी का किला भी बताएंगे जो कि आप बहुत दूर है आपको अभी हम टॉपर से बताएंगे सीन कराएंगे। और देख सकते हो आप अगर आपको झूठ लग रहा हो पूरा कैप्चर करा दो सागर भाई। खत्म है गाइस। ये बस ये इधर से नहीं वो बताया था वहाँ पे खिड़की। ये आपको स्केलेटन वगैरह दिखाते हैं हम यहीं से ऊपर से दिखाते हैं। ये देखो ये पड़े हुए हैं यहाँ पर ये स्केलेटन वगैरह है आप देख सकते हो। इसी रूम में हम थे और ये इसके बाद जहाँ जो भी खत्म हुआ कुछ पता नहीं है। कुछ पता नहीं गाइस। रानी कहाँ से आती थी कुछ पता नहीं है। रानी कहाँ से आती देख सकते हो आप जो कि इधर बस ये इधर ये खत्म झाड़ियाँ वगैरह है इधर ये चीज खत्म कुछ भी नहीं है देख सकते हो आप। अब आप ही बताओ गाइस कि रानी कहाँ से आती थी और कहाँ जाती थी। अब हम दुकान आती थी बस। अभी आपको ले चलते हैं हम दूसरे मेल पे वहाँ से आपको दूसरा मेल दिखाया। अब हम ऊपर चढ़ने की जगह भी नहीं है पता नहीं कहाँ से निकलेंगे हम। कुछ चढ़ने की जगह भी नहीं अभी हम कूद तो गए चढ़ने की जगह नहीं अब क्या करें हम। एक बार वो वाला किला दिखा दो आप। हाँ देख सकते हो आप ये सामने वो एक और है जिसपे हम वीडियो वगैरह बनाते रहते हैं। मेरे पास लाइट है। तो गाइस अभी हमको यहाँ से जाना है उस पे। तो उस पे जाने के लिए अभी यहाँ से ऊपर तो चढ़ नहीं पाएंगे तो हम लोग यहाँ से कूदने वाले जो कुछ है कूद के जाएंगे। एडवेंचर देखना आप मजे लीजिए बस ब्लॉग के और आगे देखिए ब्लॉग बने रहिए। गाइस हम लोग इस किले से तो आ चुके अभी आप देख सकते हैं इस किले से हम आ चुके रोड के। अभी हमको जाना है उस किले पे जाना है हमको जो कि आप देख सकते हैं उस किले पे। सागर भाई हाँ
कुछ बोलना चाहोगे? कुछ क्या बोलना चाहेंगे, उसको एडवेंचर करना, उस पर पता लगाना क्या क्या है, देखते हैं। चलो आइए, किले के पास आ जाओ। लेट्स गो। तो भाई मैंने आपको पूरा किला कैप्चर करा दिया था, एक चीज कैप्चर कराना भूल चुका था मैं, जो इसके बारे में मुझे तो ज्यादा कुछ नहीं पता, जो भी पता है अरबाज को पता है, ये बताएगा अब आपको। तो गाइस मुझे भी इस किले के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है, पर जितना पता उतना तो बताऊंगा। तो यहाँ से कम 50 या 60 किलोमीटर दूर पे एक और किला आता है चांदे भी। तो वो किले से ये किले तक पैदल एक रानी आती थी अपने बाल सुखाने के लिए। तो वो किले से यहाँ तक एक रानी आती थी अपने बाल सुखाने के लिए, और जो कि रास्ता हमको भी नहीं पता, हमने ढूंढने की कोशिश करी थी बट हमको रास्ता पता नहीं चला। तो हमने पूरा महल ढूंढ मारा, रानी कहाँ से आती थी, कहाँ से जाती थी, कुछ भरोसा नहीं। रही बात वो 50 किलोमीटर दूर किले की, तो उसके ऊपर भी हम व्लॉगिंग बनाएंगे आगे, आपको मिलेगा व्लॉग। चलिए फिर। और ये जो है ये हमको अभी नहीं पता है किस चीज का किसकी कवर है, तो इसके बारे में आप इग्नोर करिए, अभी इस चीज को पता चलेगा तो आपको अगले ब्लॉक में बता देंगे। अभी चलते हैं हम अगले ब्लॉक में। रुक जाओ गाइस, सो एक बार बैक साइड का लोकेशन दिखा दो, हम कहां से चल के आ रहे हैं। वापस ले आओ, ऊपर से लाओ। ठीक है गाइस, तो अभी हम लोग ले चलेंगे आपको इस किले के अंदर, ये किले के अंदर ले चलूँगा, और इसके अंदर आपको थोड़ा बहुत इसका भी आपको सीन दिखा देते, कैसा क्या बनावट है इसकी, आपको कैप्चर करा देते, हमने बोला है जैसे कि, तो आपको सब दिखाएंगे। तो लेट्स गो। सो गाइस हम लोग किले के पास पहुंच चुके हैं, और अभी आपको अंदर ले चलते हैं, किले के अंदर क्या है सब दिखाएंगे आपको और सब कैप्चर कराएंगे, बस बने रहिए वीडियो के साथ, आपको आगे मजा आने वाला है। ये भी सेम बनावट में है पूरा, आपको एक दिखा दो। ये अंदर का देख सकते हो आप, यहाँ पता नहीं क्या क्या चलता रहता है। ये देख सकते हो आप कुत्ते के बच्चे पपीस, एकदम हॉरर सीन टाइप है ये भी, पता नहीं कब से बना हुआ है। अगर कोई कोई लोकेशन पसंद आ रही है तो आप आ सकते हो हमारे यहाँ पे, जो कि अहमदनगर में, अहमदनगर पुणे अहमदनगर, बस आगे आ जाओ ऊपर चढ़ते। ऊपर चढ़ने की जगह तो नहीं है बट हम फिर भी चढ़ेंगे, इसके ऊपर चढ़ने की जगह नहीं है बट हम ट्राई करेंगे कि इसके ऊपर हम जा सके, क्योंकि आई थिंक पीछे ही है। हमने कहा जुगाड़ तो दिया है, जुगाड़ है हमारा, जुगाड़ ये 80 बंदी लोग चढ़ते ऊपर, आज अपन भी ट्राई करेंगे चढ़ने का और देखते हैं चढ़ पाते हैं क्या। सो अरबाज कैसे चढ़ा जाए, तो छोटी है चल ऊपर दिखाएंगे आपको, हम सब दिखाएंगे आपको पूरा, हमको भले इसके लिए कहीं पर भी चढ़ना हो, चढ़ना थोड़ा मुश्किल है पर। नाजिम पकड़ लो ऊपर, नाजिम नाजिम बेटा लोग सब देखेंगे और अपन ऊपर चढ़ेंगे, ऊपर चढ़ ऊपर चढ़ कितना मत चढ़ा, चढ़ा चढ़ चढ़ चल जा नाजिम, चढ़ जा, ये ढलिया चल गया, चप्पल ऊपर फेंकनी है तो। ए चांद बेबी के मेल भी चलेंगे अपन, हाँ भी ब्लॉक करके आएंगे, चांद बेबी का मेल अगले ब्लॉक में दिखाएंगे। अभी गाइस मेरी बारी आई है, मेरे को चढ़ना ऊपर, चढ़ते तो नहीं चढ़ पाएगा, इसको किसी की हेल्प लगेगी, तो ओके चलो देखते हैं।
मोबाइल ले ले, मोबाइल 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 मैं ऊपर चढ़ चुका हूँ और अरबाज भी ऊपर चढ़ चुका है, देख सकते हैं आप। अभी बारी है सागर, अभी सागर की बारी है। कैमरा हमको इसलिए रोकना पड़ा, इसलिए मोबाइल ऊपर नहीं आता, सागर ऊपर चढ़ गया, अकेले चढ़ गया, अकेले चढ़ गया। ये तो ये किसी की हेल्प भी नहीं लगी इन्हें तो ये तो अभी कुछ भी नहीं है। अच्छा अच्छा, हमको तुमको दिखाने वाले हैं और जो की हाइट, बस इसमें हाइट का फर्क है, आप देख सकते हो, बाकी सब सेम है, हाइट का फर्क है बस, बाकी सब सेम है गाइस। अभी आपको हम ज्यादा इसका व्यू नहीं दिखाएंगे, राउंड सर्कल में आपको डायरेक्ट इसके ऊपर ले चलते, ऊपर का व्यू दिखा देते हैं। सो लेट्स गो। तो गाइस मैं कैमरा स्टैंड करके थक गया था, तब रिजवान कैमरा पर लेकर मैं ब्लॉग बताऊंगा, आ जाओ। कैमरा स्टैंड करके ब्रो थक गया था सागर, एक जगह रुक जा, मैं इधर का थोड़ा बाहर टाइप का व्यू दिखा दूं। यहां से भी कबूतर उड़े हैं, मैं यहां से ना। ए रुक जाओ रे, अबे यहां पे कुछ लिखा है, अलग लिखा हुआ है कुछ ना लिखा है, चलो ठीक है, आ जाओ। तो आप देख सकते हो यहाँ कपल्स के नाम लिखे, चल रहे फालतू चीजें मत दिखा। अबे सदलिया तेरे को लात दूंगा मैं बेटा, हो उसमें आवाज नहीं, उसमें आवाज नहीं जाएगी राजीव, आप उसमें नहीं जाती है। अबे साले उसमें बैकग्राउंड सॉन्ग डल जाएगा, कोई कम स्कूल आया था, देख ले कैसे क्या चल रहा है। ले उठा मेरे को, ए रुक जा, दो मिनट रुक जा, फोन सरदाम शेख। हेलो सागर ब्रो, ऊपर चढ़ना है, सोच रहा हूँ यार कैसे चढ़ूं, यहाँ पे चढ़ने की बिल्कुल भी जगह नहीं है, देख सकते हो बिल्कुल जगह नहीं है, कैसे चढ़ूं मैं, सोच रहा हूँ बट ऊपर चलेंगे अपन। नौ भाई थोड़ा जिम के पावर दिखाओ, पीनट बटर और तुम्हारे अब्बा के दिलाए हुए पाउडर की, मार मत भाई उसकी, चल गलत काम है। अरे रुक जा, चढ़ सागर, उठाया चढ़ना, ये क्या कर रहा है, पकड़ने की जगह नहीं है कुछ भी, जल्दी चढ़ बे, मैं भी तो चढ़ा था पकड़ने की जगह, मैं सर पे गिर जाएगा, मैं गिर जाऊंगा जल्दी। अरे हाथ लगा, हाथ लगा, हाथ कैसे लगा, पाँव में लगा, पाँव में लगा, पाँव में लगा, गिरेगा वो, ऐसे पकड़ना नहीं, चढ़ वहाँ वो पकड़ते पेड़ वेड़ होगा, चढ़ गया, ये आवाज मचाएंगे ब्रो, जैसे कि आप देख रहे हैं सागर चढ़ गया ऊपर। अब कौन चढ़ रहा, चढ़ ही नहीं पाऊंगा ऊपर, इसमें दो लोग हैं, अरवाज ढल तो किसको भी, बस पहले मैं चलूंगा। हां चल, ये ले सागर मोबाइल पकड़, जो भाई ने इतना बड़ा चूतिया अपना आईफोन बेच के मेरे लिए अपना आईफोन बेच दिया, जल्दी दे, ये भाई ने अपना आईफोन बंद कर दिया क्या, चालू है, ये भाई ने अपना आईफोन बेच दिया था जो कि इनका 11 एक्सेस था, इसलिए मैं इंदौर चला गया था, रील नहीं बना पा रहे थे, तो पकड़े ना, तो यहां कुछ पकड़ने के लिए नहीं बचा है, पर ब्लॉक के लिए कुछ भी, चढ़ जा, नहीं हो रहा, सही रुक जा, हाथ मत ले, बस छोड़ दे, तो गाइस अब मैं वीडियो बंद कर रहा हूँ। हम सेकंड किले के ऊपर भी सबसे ऊपर आ चुके हैं, आप देख सकते हो हम बहुत मेहनत से इतने ऊपर आए, और आपको जो पुराना किला था वो भी बता देता हूँ, यहाँ से दिखेगा, ये रहा वो किला, देख सकते हो आप, जिद्दी का वीडियो तो बना पाए आगे, ये देखो अब हम आपको यहाँ से बताते हैं चांद देवी का महल जो कि बहुत दूर है। सो गाइस आप देख सकते हो वहाँ पे जो किला है दिख रहा है जस्ट सामने ये किला, और आपको दिख नहीं रहा हो तो मैं एक बार अपने फोन हाथ से दिखा देता हूँ, जूम करके दिखा देना अपने मोबाइल में, 10x जूम है, ठीक है सर, और आपको अगर दिखे ना तो मैं एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये देखिए आप, एक सेकंड एक सेकंड, अरे मत भाई बस, अरे कैमरा हिल रहा है, ये देख ले आप देख सकते हैं, यही किला उनका, यही किला है, और गाइस वहाँ पे हम जाएंगे ब्लॉक करने, और एक बार इधर से देख लीजिए आप, ये देख लीजिए यो किला देख लीजिए पूरा, सागर भाई को यहाँ का व्यू देख लीजिए कैसा क्या आ रहा है। गाइस हमारा ब्लॉग पूरा हो चुका है, जैसा कि हमने आपको दिखाया ये किला और ये किला, और अगर आपको इस किले के रिलेटिव और ब्लॉग चाहिए होगा तो आप हमें नीचे DM कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, और आपको हम लोग इसके जो मेन किला है चांद बेबी का किला जो स्टार्ट होता है आपको दिखाया था हमने,
वो किले के भी हम आपको दिखा देंगे, वह ब्लॉग बनाकर अगर आपको चाहिए होएगा तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और सागर भाई क्या बोलना चाहोगे आप? वो ब्लॉग भी बहुत जल्दी आने वाला है क्योंकि हम वहाँ पे भी जाने वाले हैं। और अरबाज भाई आप कुछ बोलोगे? थैंक्स फॉर अरबाज भाई को सजेस्ट, इन्होंने ही किया था हमको। थैंक्स फॉर अरबाज भाई, आपने हमको सजेस्ट किया बनाने के लिए। तो बाय गाइस एंड लव यू ऑल।